जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि इस बार बीजेपी अकेले 370 सीटों से ज्यादा पर जीत दर्ज करेगी, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में फैसले पर मुहर लग गई। तीन तस्वीरों के जरिए देखिए बीजेपी का अधिवेशन 24 के लिए बना है प्लान यहां पर, और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि इस बार 400 पार के फॉर्मूले पर बीजेपी और एनडीए काम करेगा। दूसरी तस्वीर देखिए, पीएम ने कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अभी उनका और नुकसान होगा। बीजेपी ने साफ तौर पर यहां पर 24 के प्लान का भी जिक्र किया और 400 पार का नारा एक बार फिर से बुलंद किया गया। तीसरी तस्वीर, जेपी नड्डा के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी जेपी नड्डा की अगुवाई में लड़ेगी। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है, कांग्रेस परिवारवाद की जननी है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, और कांग्रेस तुष्टीकरण की भी जननी है। 70 के दशक में जब देश में कांग्रेस के विरुद्ध गुस्सा बढ़ना शुरू हुआ तो खुद को बचाने के लिए इसने अस्थिरता का सहारा लिया। हम मिशन मोड पर भारत को 2047 तक, देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा, हम भारत को विकसित देश बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने तीसरे टर्म में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का संकल्प लिया है, और ये मोदी की गारंटी है। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी से पहले गृहमंत्री अमित शाह ने बीजेपी महाधिवेशन को संबोधित किया और कांग्रेस पर हमला बोला। अगला चुनाव दो खेमे पड़े हुए महाभारत के युद्ध में, जैसे पांडव और कौरव के खेमे पड़े थे, इसी तरह चुनाव के पहले दो खेमे पड़े हैं। एक खेमा है मोदी जी के नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन, और दूसरा है कांग्रेस के नेतृत्व में सारी परिवारवादी पार्टियों का इंडी अलायंस। मित्रों, मैं आज आप सबके सामने कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी जिसने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और एफिडिएट पर नकारा, बाद में उनको एफिडिएट वापिस ले, ट्रिपल तलाक का कानून जो केवल और केवल महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकार देने का कानून है, इसका आपने विरोध किया।